इंदौर में नेहरू स्टेडियम में बने स्ट्रांग रूम का डीआईजी हरि नारायण चारी मिश्र ने निरीक्षण किया। इस दौरान डीआईजी हरि नारायण चारी मिश्र ने कहा कि काउंटिंग को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की अंतिम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतगणना स्थल सहित पूरे शहर की सुरक्षा के लिए 2000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी अराजकता की स्थिति में दोषियों के खिलाफ फौरन कार्रवाई की जाएगी। कल मतगणना को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां अंतिम रूप से पूरी हो चुकी हैं। आज उस पूरे बल को बुलाया गया था और मुख्य यहां पे एक मॉक ड्रिल एक अभ्यास सभी को कराया गया। मुख्य तौर पे मतगणना में सुरक्षा संबंधी जो अपेक्षाएं हैं, जैसे कि बैरिकेटिंग सही ढंग से हो, जिसके पास आई कार्ड हो उसको ही सही चेकिंग के बाद फिनिशिंग के बाद अंदर जाने दिया जाए, जगह जगह सीसीटीवी जो कैमरे लगे हों ठीक ढंग से काम कर रहे हों। तो मुख्य तौर पर अगर कल की मतगणना को लेकर के अंतिम तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और साथ ही साथ उसके अलावा जहां पे मतगणना होगी उसमें अलग अलग यहां 9 विधानसभाएं हैं, 9 विधानसभाओं के लिए अलग अलग कमरे हैं, उन सभी जगहों पे प्रत्येक इवन जितने अलग अलग सेंटर्स काउंटर्स हैं उन काउंटर्स पे अलग अलग कैमरे लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे।